नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पहली बार यूपी पुलिस को मिला प्रतीक चिन्ह, डीजीपी से लेकर सिपाही तक वर्दी पर लगाएंगे प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्य पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। अब इस प्रतीक चिन्ह को डीजीपी से लेकर सिपाही तक सभी अपनी वर्दी पर लगाएंगे। इसे वर्दी की दाहिनी जेब के ऊपर लगाया जाएगा। पुलिस की भाषा में प्रतीक चिन्ह को इनसिग्निया कहा जाता है। इस मौके पर चौहान ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर और अधिक प्रभावी पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 15 अगस्त को प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना की थी और अब उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी रैंक के कर्मियों की वर्दी पर यह प्रतीक चिन्ह सजेगा। डीजीपी से लेकर सिपाही तक धारण करेंगे यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में पुलिस कलर का उपयोग किया गया है और उसमें अशोक की लाठ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा है और बीच में दो मछलियों की आकृति बनी है। अब डीजीपी से लेकर सिपाही तक पुलिस चिन्ह को वर्दी में दाहिनी ओर सीने पर नेम प्लेट के ऊपर धारण करेंगे। अभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी वर्दी में बाजू पर उत्तर प्रदेश शासन का चिन्ह धारण करते हैं। स्थापना दिवस के 159 साल बाद मिला प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की स्थापना के 159 वर्ष बाद उसे अपना प्रतीक चिन्ह मिला है। इसकी कल्पना इसी वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य के सबसे पुराने पुलिस विभागों में से एक है और दुनिया में सबसे बड़ा पुलिस बल है। वर्तमान में पंजाब, दिल्ली, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों की पुलिस के अपने प्रतीक चिन्ह हैं। डीजीपी मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। सत्यात्रा न्यूज़ से गुप्ता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।